सो मैं शिल्पी स्वागत करती हूँ आपका शिल्पी माइक्रोवेव कुकिंग में, और आज मैं बात करूंगी डिशवॉशर कैटेगरी के ऊपर। डिशवॉशर प्रोडक्ट हम लेडीज के लिए किस तरीके से यूजफुल है, तो बात करते हैं मिस्टर प्रदीप श्रीवास्तव जी से, और मैं इनसे जानूंगी कि डिशवॉशर जो प्रोडक्ट है, एलजी का जो डिशवॉशर प्रोडक्ट है, वो इसका प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे वर्क करता है। क्योंकि जनरली हम जब लेडीज घरों में काम करते हैं, जब बहुत सारे बर्तन हमारे घर में इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो तो हम जनरली रबिंग करके उसको साफ कर लेते हैं। इवन चिकनाहट भी बहुत ज्यादा होती है, तो हमें बहुत ज्यादा रगड़ना पड़ता है उसको, बहुत मेहनत लग जाती है उसमें। प्रदीप जी, तो डिशवॉशर का मैं जानना चाहती हूँ किस तरीके से वर्क करेगा, क्या उसमें वो चिकनाहट है वो साफ हो पाएगी, या कैसे करेगा, हमें इसमें लिक्विड क्या क्या लेना पड़ेगा, इसमें सर्फ डालना पड़ेगा, और क्या क्या इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, प्लीज आप मेरे व्यूअर्स को वो बताइएगा। बेसिकली डिशवाशर के अंदर जो हमारे डिशवाशर के अंदर जो रैक्स ये बने होते हैं, नॉर्मली जब हम हाथ से बर्तन को धुलते हैं तो या तो करंट में अभी यूज करा हुआ बर्तन हो तो इजीली साफ हो जाता है। बट अगर बर्तन कुछ देर हमने छोड़ दिया तो उसके अंदर जो भी हम खाना खाते हो सूख जाता है ना, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। हम क्या करते हैं, नॉर्मली सिंक में डाल देते हैं, पानी के साथ भिगो देते हैं, कुछ देर छोड़ना पड़ता है, फिर उसके बाद थोड़ा साफ करते तो इजीली साफ हो जाता है। चिकनाहट वाले जो बर्तन होते हैं उसमें थोड़ा सा हमें ज्यादा रबिंग करना पड़ता है, ठीक है। अब वो नॉर्मली कस्टमर खुद इस काम को करें या उनके घर पे कोई मेड वगैरह वो उस काम को करते हैं, तो दिक्कत तो देखो सबको होता है चिकनाहट वाले बर्तनों में खास करके। तो हमारे डिशवाशर के अंदर ये जो रैक्स बने हुए मैम, इसके अंदर सभी टाइप के हर कैटेगरी के जो यूटेंसिल हमारे होते हैं घरों में, कुकर हैं, कढ़ाइयाँ हैं, ग्लासेज हैं, स्पून वगैरह हैं, कटलरी है, सभी के लिए इसमें जगह बना हुआ अलग अलग। सभी बर्तनों को हम इस रैक्स के अंदर रख देते हैं, और रखने के बाद में इसमें अराउंड 90 बर्तन एक साथ हम इसके अंदर धुल सकते हैं, 14 प्लेस सेटिंग बोलते हैं इसको। तो सभी बर्तनों को अंदर इसको हम कंटिन्यू लगा देते हैं। लगाने के बाद में इसके अंदर जो चीजें डलती हैं, इसमें सॉल्ट डलता है, रिंस डलता है, प्लस इसके अंदर डिटर्जेंट डलता है। ये जो दो जगह आप देख रहे हैं, रिंस एंड डिटर्जेंट का होता है, सॉल्ट हमारा इस जगह पे डलता है। सॉल्ट की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होती है, रिंस एड और जो डिटर्जेंट होता है वो हर राउंड में हमें ऐड करना पड़ता है। जितने बार हम बर्तन को धुलते हैं उतने बार हम उसको ऐड करते हैं, सॉल्ट हमारा होता है। सभी बर्तनों को लगाने के बाद में हम इसको इस तरीके से क्लोज कर देते हैं। अब क्लोज करने के बाद हम इसको पावर ऑन करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद जैसे नॉर्मली पहले हमारा बर्तन धुलेगा, इसमें जो बर्तन धुलने का प्रोसेस है वो इसके थ्रू झुलता है। ये स्प्रे आर्म्स होते हैं, और हमारे डिशवाशर के अंदर, एलजी डिशवाशर के अंदर ये जो स्प्रे आर्म्स बने हुए हैं इसको बोलते हैं क्वार्ट जेट। इसमें टोटल ये जो होल्स आप देख रहे हैं ना, इसकी जो क्वांटिटी है 28 है। 28 मतलब इसको बोलते हैं क्वाड वॉश। क्वाड मतलब कि चारों साइड से, जैसे एक आदमी की चार हाथे हो, चार हाथों से काम करता हो, तो इस तरीके से ये जो जेट है ये काम करते हैं। इस टाइप से राउंड्स लेते हैं, बर्तनों के ऊपर जो पानी का प्रेशर होता है वो पड़ता है हर कॉर्नर में, हर एंगल में पड़ता है, जिससे बर्तन हमारे कॉर्नर टू कॉर्नर डीपली साफ हो जाते हैं। साफ होने के बाद में इसके अंदर पानी जो गर्म होता है वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म होता है। नॉर्मली बहुत सारे मार्केट में डिशवाशर आते हैं, उनके अंदर जो पानी गर्म होता है उसमें गर्म होता है 70 डिग्री, मतलब उसके अंदर बैक्टीरिया बिल्कुल साफ नहीं होता है। हमारे डिशवाशर के अंदर एलजी ब्रांड जो है वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे बर्तन को धुलने का प्रोसेस बना रखा है इसके अंदर। साथ में इसमें गर्म पानी के साथ साथ स्टीम टेक्नोलॉजी भी है। स्टीम टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि जो हमारे बर्तनों के अंदर जर्म्स होते हैं, मैं अभी आपको स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ, ये आप लाइव देख सकते हैं, हमारे डिशवाशर अंदर इस तरीके से स्टीम काम करता है। स्टीम जब चलेगा तो हमारे बर्तनों में से चिकनाहट तो चली गई, वो हाइजीन हो गया, बैक्टीरिया कॉर्नर टू कॉर्नर बैक्टीरिया भी नहीं होती, सर बैक्टीरिया भी को भी किल कर देता है। अभी पीछे आपने देखा था, पीछे कोरोना आया था, दो सीजन कोरोना रहा, उसमें क्या था कि काम जो हमारे मेड होती हैं वो हर जगह घरों में जाते हैं काम करने, किसी का हाथ साफ है किसी का नहीं साफ है, कोई किसी तरीके से बर्तनों को साफ करता टच करता, कितने ज्यादा दिक्कतें थी। उस टाइम डिशवाशर बहुत ज्यादा कारगर था। डिशवाशर के अंदर स्टीम भी हमने कोविड-19 के बाद हमने इसमें डिशवाशर के अंदर स्टीम भी ऐड कर दिया, जिससे 0.1% माइंड में डाउट नहीं रहेगा कि हमारे डिशवाशर के अंदर धुला हुआ बर्तन किसी भी टाइप से बैक्टीरिया उसके अंदर है नहीं है, बिल्कुल क्लियर मिलेगा। आप बर्तन धुलेंगे तो टाइमिंग प्रोसेस क्या होगा, और हमें जो सॉल्ट आपने बताया, सॉल्ट कितनी क्वांटिटी में डालना है और लिक्विड कितनी क्वांटिटी में डालना है, और जो टैबलेट है वो एक पड़ेगी या दो? मैम टैबलेट भी यूज कर सकते हैं,
जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट की जो क्वांटिटी होती है वो वन टाइम डलता है, तकरीबन वन मंथ के लिए वो काम करता है। और ये रिनसेड और ये जो लिक्विड हम डालते हैं डिटर्जेंट और रिनसेड, वो हर वॉशिंग में हमें फील करना पड़ता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि इसके अंदर बर्तन कितना हमने डाला है। फुल लोड का भी ऑप्शन है, कभी मान लीजिए आप फैमिली मेंबर कम है या बर्तन कम यूज हुए हैं, तो हमारा इसके अंदर हाफ लोड का भी ऑप्शन है कि आप एक रैक को यूज कर सकते हैं। एक रैक में अब क्वांटिटी कम हो जाएगी तो टाइमिंग भी कम लगेगा, ठीक। प्लस जब हम बर्तनों को हाथ से धुलते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी खर्च होता है। इसके अंदर 90 बर्तनों को 90 यूटेंसिल धुलने के लिए सिर्फ 9.5 लीटर पानी खर्च होता है, ओनली 9.5 लीटर पानी का बहुत ज्यादा बचत है इसके अंदर। देखिए टाइमिंग तो लगता है, टाइमिंग थोड़ा लगता है इसके अंदर, घंटे से ज्यादा का टाइमिंग लगता है कि मैनुअली जब हम जिस हाथ से का बर्तन धुलते हैं उसमें भी टाइम लगता है, बट हम इसमें काउंट नहीं करते। यहाँ पे टाइमिंग दिखेगा तो हमें लगता है भी टाइम लग रहा है, लेकिन बर्तन जिस तरीके से हम क्या करते हैं, बर्तनों को धुल के रैक्स में लगाते हैं, उसमें पानी के जो स्पॉट्स होते हैं, बर्तन सूखने वाले स्पॉट्स नजर आते हैं, वो बहुत बुरा लगता है, बिल्कुल रह जाता है। तो इसमें क्या होगा कि जब आप बर्तन निकालेंगे बाहर, आपको बर्तन ऐसे मतलब चमकता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल शाइन, जैसे किसी ने उसको धुल के ड्राई करके उस पर कपड़े से शाइन करके आपको बर्तन दे दिया यूज करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ड्राई का भी ऑप्शन होता है इसके अंदर। बर्तन हमारे जो धुले बर्तन होते हैं उसके अंदर कूल और ड्राई का ऑप्शन है, बिल्कुल ड्राई करके बर्तन मिलेगा, स्टीम के थ्रू बिल्कुल सूखा हुआ बर्तन मिलेगा आपको। प्लस ये देखिए इसके अंदर एक ऑप्शन आता है इजी रैक। कई बार क्या होता है कि रूटीन में हम छोटे बर्तन यूज करते हैं, घर में कोई पार्टी फंक्शन होता है तो हम थोड़े से बड़े बर्तन भी, जैसे मान लीजिए 3 लीटर कुकर आप यूज कर रहे हैं, अभी आपको 5 लीटर का कुकर यूज करना हो, तो किसी भी डिशवाशर के अंदर ये ऑप्शन नहीं आता, वो दोनों रैक्स अपने जगहों पे फिक्स होते हैं। बट हमारे डिशवाशर के अंदर ये इजी रैक्स का ऑप्शन दे रखा है, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, ऐसे बड़ा हो गया बड़े बर्तन के लिए, और छोटा यूज करना तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। तो ये जो डिशवाशर के रैक्स को प्लस माइनस ऊपर नीचे करने का ऑप्शन है, ये सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर LG कंपनी देती है, और किसी भी कंपनी के पास ये ऑप्शन नहीं है। हाँ ये सर, अभी इसको हमने खोला नहीं है, ये कैटलरी सेट, वो इसमें कैटलरी जो है ना सारा हम लगा के, और इसको इजली मतलब इसी तरीके रखने को अंदर ही, इस बॉक्स अंदर ही वो साफ हो जाएगा सारा चीज, ठीक है मैम। और ये देखिए इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव मोटर, इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव मोटर क्या होता है, इसके अंदर नो बेल्ट नो पुली, बेल्ट इस्तेमाल नहीं होता है, मशीन वाइब्रेट नहीं करेगी, ड्यूरेबिलिटी इसकी अच्छी होती है। ड्राइव मोटर में क्या होता है, नॉइस लेवल बिल्कुल ही कम होता, ना के बराबर है। साथ में इसके अंदर हम देते हैं स्मार्ट थिंक्यू। स्मार्ट थिंक्यू में क्या होता है कि अपने मोबाइल के थ्रू इस डिशवाशर का कंप्लीट मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं, आप कहीं से इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी टाइप का एरर होगा तो आपको अपने मोबाइल पर मैसेज मिल जाएगा। तो स्मार्ट थिंक्यू एक एप्लीकेशन लोड करना पड़ता है, उसके थ्रू हम यूज कर सकते हैं। मतलब आजकल जैसे लेडीज वर्किंग है और वो बाहर अपने ऑफिस में बैठी हुई है, ठीक है, या बाहर शॉपिंग पे गई है या कहीं भी है, एक्स वाई जेड, और उनके घर में मतलब बर्तन खराब हैं, तो वो वहाँ बैठे बैठे ये सिस्टम ऑपरेट कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं वो प्लीज आप एक बार बता दीजिए। जैसे मान लीजिए घर पे कोई भी फैमिली मेंबर हो या घर पे मेड है, उनको यूज नहीं करने आता और आपके पास मोबाइल है, आपको इसके बारे में पता है, इसके फंक्शन आप अच्छी तरह से यूज कर लेते हैं, तो सिर्फ कोई भी पर्सन इसके अंदर बर्तनों को रैक्स के अंदर हिसाब से लगा देगा, उसके बाद वो इसको क्लोज कर देंगे, और आप मार्केट में कहीं पे भी हो, मैं कह रहा हूँ आप मार्केट से नहीं, आप कंट्री से बाहर भी हो, स्टेट से बाहर हो, कहीं से भी इसको आप कंट्रोल मोबाइल से अपने कंट्रोल कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, इतना बड़ा बेनिफिट है इस चीज का। प्लस एक चीज और मैम, हमारे डिशवाशर के अंदर बहुत सारे हमारे जो कंपटीटर हैं वो ये कहते हैं कि LG का जो डिशवाशर है वो लाइट जाने बाद रीस्टार्ट नहीं होता, जहां से स्टार्ट आपने करा था स्टार्टिंग में वहीं से स्टार्ट होगा, बट ये गलत अफवाह थी, अभी हमने इसको क्लियर कर दिया, हम यहाँ पे लिख के भी दे रहे। मान लीजिए डिशवाशर आपने स्टार्ट कर दिया, प्रोग्रामिंग चालू हो गया, फंक्शन मतलब चल रहा है, और लाइट चली गई, तो जिस स्टेप को मशीन ने कंप्लीट कर दिया है दोबारा उस जगह पे मशीन नहीं जाएगी, जहां पे बंद हुई है मशीन वहीं से स्टार्ट होगी, आगे का प्रोग्राम कंप्लीट करेगी मशीन, ठीक है मैम। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, अब इसको हम लिखित में दे रहे, क्लियर कर दिया हमने इस चीज को। अच्छा प्रदीप जी, इसकी वारंटी जो होगी वो किस हिसाब से होगी, ड्राइव के ऊपर होगी या कंप्लीट डिशवॉशर के ऊपर, कितने इयर्स की वारंटी है?
इस डिशवाशर के ऊपर हम कंप्लीट जो वारंटी देते हैं, 2 ईयर की कंपनी वारंटी देती है पूरे मशीन की, 10 साल हम इसके मोटर की रिप्लेसमेंट देते हैं। 10 साल के अंदर कभी भी हमारे डिशवाशर मोटर खराब होता है, किसी भी वजह से खराब होता है, तो हम मोटर रिपेयर करके नहीं देते। हमारे इंजीनियर आपके घर पर विजिट करेंगे, बिल्कुल ब्रांड न्यू मोटर इसके अंदर लगा के जाएंगे। 10 साल में कभी भी मोटर के अंदर दिक्कत होगा, वो मोटर फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी आपको रिप्लेस करके देती है। ठीक है मैम, अगर हमारे घर में ग्लास यूटेंसिल्स हैं तो क्या वो भी इसमें साफ हो जाएंगे? नहीं, ग्लास आप ग्लास के जो यूटेंसिल हैं आप इसमें धुल सकते हैं। और आजकल तो आपने देखा होगा बहुत सारे मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो ग्लासेस बना रही है, उस पर लिखा होता है डिशवाशर सेफ। प्लास्टिक के ऊपर भी बहुत सारे, जैसे आप मिल्टन की बात करते हैं, सोलर सेलो की बात करते हैं, तो उस पे इसका अपना टपर वेयर का आता है, उस पे लिखा होता है माइक्रोवेव एंड डिशवाशर सेफ। जिस पे वर्ड लिखा होगा उस बर्तन को आप बेफिक्र उसमें डाल दीजिए, चाहे स्टील हो, अपना प्लास्टिक का हो, बोन चाइना हो, ग्लासेज हो, ऑल कैटेगरीज हम धुल सकते हैं। और आप एक बार देखेंगे तो उसके डब्बे पे बाहर ही लिखा होता है कि ये डिशवाशर सेफ है या नहीं है। जो डिशवाशर सेफ है आप उसमें डाल सकते हैं, जो नहीं है उसको नहीं डालें। तो प्रदीप जी, जो जानकारी आपने डिशवॉशर की दी है, ये जानकारी से मेरे व्यूअर्स आई थिंक बहुत खुश होंगे, जो घर बैठे बैठे अभी डिशवॉशर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। दिवाली आने वाली है, फेस्टिव सीजन पास आ रहा है, तो बहुत सारे लोग प्लानिंग भी कर रहे होंगे प्रोडक्ट्स खरीदने की काफी सारे, और ये डेली आइटम्स ये तो हमारे घरों में बर्तन तो नॉर्मल है, सबके घर में गंदे होने ही है, खाना सबके घर में बनना ही है और बर्तन निकलना ही है, तो हाथ से हम कब तक साफ करते फिरे। तो ये प्रोडक्ट जो अभी कंपनी ने निकाला है डिशवॉशर, ये किस तरीके से हमारे लिए कारगर है, लेडीज के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपके सामने इसका लाइव डेमो मैं पेश करूं, तो कोशिश मेरी जारी है। तो नेक्स्ट टाइम एक लाइव वीडियो के साथ मिलते हैं डिशवॉशर कैटेगरी की। तब तक के लिए बाय बाय एंड नमस्ते।